सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल निर्देश शर्मा व्लॉग। तो भाई टाइम हो चुका है 3:34 और दोपहर के, और अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। मनु नजर ना अभी अपनी शक्ल दूर कर। आज सारा दिन क्या हुआ ना यार, आज मॉर्निंग में हम लोग जिम गए थे, और मॉर्निंग में जिम क्या है ना, लेट हो गया था थोड़ा सा, मैंने आलस खिंडा दिया थोड़ा सा, तरुण भाई ने आलस खिंडा दिया। 5 बजे उठे तो थे, मैं सोचता रहा तरुण का फोन आएगा, और तरुण सोचता रहा मेरा फोन आएगा, तो दोनों ने फोन किया नहीं एक दूसरे को। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 6 बजे तरुण भाई का फोन आया, तो फिर हम लोग 6 बजे जिम गए, और 6 बजे जिम गए मतलब 6 बजे तो उठे थे, 6:30 तक हम लोग जिम गए, जाते जाते मैं 6:30 बजे। और जिम में क्या ट्रेजेडी होगी ना, आज जिम में मैं कार्डियो कर रहा था। जैसे पता है सभी को मैं कार्डियो करता हूँ, वैसे तो मैं 2400 मीटर भागता हूँ, यानी कि जो 400 मीटर का जो लैप होता है ना, वो 6 चक्कर मारता हूँ, तो कभी कभी 7 भी मार लेता हूँ, 2500 मीटर भी भाग लेता हूँ कभी कभी। आज मेरा थोड़ा सा, कल भी मैंने ज़्यादा मारी थी, कल भी मैंने 3.5 किलोमीटर के आसपास रनिंग करी थी, और आज भी मैं सोच रहा था 3-3.5 किलोमीटर रनिंग कर लूँ, तो मैंने काफ़ी रनिंग मारने के लिए मैं आगे बढ़ा था। तो 18-19 मिनट हुए थे मेरे को रनिंग करते, या 20 मिनट हो गए थे, तो जिम के ट्रेनर जो हैं उन्होंने मेरे को टोक दिया, क्योंकि एक दो बंदे थे जिन्होंने मेरे को टोका था, भाई कितनी देर लगी कितनी देर है, कुछ लड़कियां थी और कुछ जो थे ना वो लड़के थे, उन्होंने टोक दिया था, और उन्होंने टोका था मेरे को जब मैं 8 मिनट ही हुए थे मेरे को ट्रेडमिल स्टार्ट करे हुए, तो मैंने उनको कह दिया था भाई मेरे को 20-22 मिनट और लगेंगे, क्योंकि यार आधा घंटा तो मैं कार्डियो करता ही करता हूँ, मोटा मोटा आधा घंटा कार्डियो करता हूँ। तो ट्रेनर ने मुझे टोक दिया कि बोला मैक्सिमम 15 मिनट ही ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हो, तो मेरे को यार गुस्सा आ गया उस टाइम। क्या है मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खोल उठता। और मैं चढ़ गया फिर ट्रेडमिल पे, मतलब चढ़ गया मतलब पारा चढ़ गया मेरा, काफी हाई हो गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो मैंने उनको सीधे सीधे बोला, मैंने कहा यार 15 मिनट का क्या मतलब है, 5:30 बजे टीच अगर हम लोग जिम पहुंच जाते हैं 5:30 बजे, मैंने खुद ने भाई 25-25 मिनट वेट करा है ट्रेडमिल का, हम इतना वेट करा है यार, वेट करते करते हम नीचे स्ट्रेंथ मारने चल जाते हैं, हमारे को ट्रेडमिल नहीं मिलती थी। ऐसे ऐसे बंदे भी हैं यार जो 40-45 मिनट रनिंग करते हैं, कोई कभी आधा घंटा पैदल चलेंगे, 15-20 मिनट रनिंग करेंगे फिर पैदल चलेंगे, तो ऐसे बंदे भी हैं। तो मैंने उनको ये बोला आपको रूल फॉलो करने हैं तो सभी के लिए रूल फॉलो करवाओ, मैंने 18 मिनट करा तो आपने मेरे को बोल दिया 3 मिनट ऊपर हो गया बाबा खाली कर दो। दूसरे जब मैं जब वेट कर रहा होता हूं, तो सारे 40-40 मिनट रनिंग करते हैं यार, तो इसका कोई मतलब नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको। तो मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी, गर्मा गर्मी सी हो गई थी, और फिर उन्होंने कहा नीचे रिसेप्शन पे बात कर लो, रिसेप्शन पे मैं गया था तो रिसेप्शन वालों ने ही बोला कि आगे से आपको नहीं टोकेंगे ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मतलब रनिंग वगैरह कर लेना। देखो बॉस एक चीज है, जिसको रनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मान लो कोई लीन बंदा है, एकदम लीन बंदा है, उसको रनिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यार, वो 15 मिनट या 10 मिनट भी रनिंग कर लेगा उसके लिए सफिशिएंट है। भाई मेरे को रनिंग की ज़रूरत है, मैं रनिंग करता हूँ, मेरे को अच्छा भी लगता है, मेरे को ज़रूरत है, तो मैं आधा घंटा रनिंग करूँगा यार, इसमें क्या है? आप अपनी ट्रेडमिल बढ़ाओ, अगर आपके पास रश ज़्यादा है आप अपनी ट्रेडमिल बढ़ाओ, दो तीन ट्रेडमिल तो उनकी ख़राब हुई रहती है, इतनी ज़्यादा ट्रेडमिल ख़राब हुई होती है, दो तीन मैं वहाँ देखता हूँ 3 ट्रेडमिल एक साथ ख़राब है, 4 ट्रेडमिल एक साथ ख़राब है, 4 ट्रेडमिल बची हुई है, तो फिर उस पर भीड़ तो लगेगी। तो हमने कभी कंप्लेंट नहीं करी यार ट्रेडमिल खराब है, 15-20 मिनट आधा घंटा वेट कर लेते हैं, कोई मशीन खराब है हम वेट कर लेते हैं, पानी नहीं है पीने का हम वेट कर लेते हैं, हमने कभी कंप्लेंट नहीं करी यार। आज हमारे भी चढ़ गए कि भाई आप वो करो, तो मेरे को नहीं लगता यार यहाँ ये चीज़ गलत है, ये कंप्लीटली गलत है। जब आप फीस ले रहे होते हो ना, तब आपको बोलना चाहिए कि ट्रेडमिल 15 मिनट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, तब आप ये बोलते हो कि हम रिजल्ट्स देंगे, हम आपकी फिटनेस में ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद आते हैं तो कह रहे हो 15 मिनट ट्रेडमिल। तो लेकिन हालांकि हाँ, रिसेप्शन में जो उनकी मैनेजमेंट टीम थी, उन्होंने बोल दिया कि ट्रेनर को भी बोल दिया कि आगे से मत टोकना, और ट्रेनर ने भी बोल दिया कि आप कर लेना, मैंने गलत टोक दिया, आगे से वो नहीं टोकेंगे। भाई मज़ा आया, लेकिन फिर वही है ना, सुबह थोड़ी बहुत बहस हो जाए बात बूत करते हुए, फिर अच्छे से जिम भी नहीं लगी और मूड भी ख़राब हो गया, तो सुबह ऐसे मूड ख़राब हो गया, उसके बाद मेरे को ADC ऑफिस जाना था। तो चलो ये जो भी है जिम की बातें वो अपने साइड में करते हैं, चलो जैसा भी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि जिम बेकार है यार, ऐसी बात नहीं है कि जिम बेकार, मैं ये नहीं बोल रहा। देखो कन्फ्लिक्स कई बार आ जाते हैं, तो मैंने बस अपनी बात रखी है कि मेरी बात में वो कन्फ्लिक्स क्या थे क्या नहीं थे। तो अभी सबसे बड़ी बात जो मेन बात है ना, तो आज दिन वैसे खराब हो गया, फिर उसके बाद ADC ऑफिस गया, ADC ऑफिस वालों ने इधर भेज दिया उधर भेज दिया वो भेज दिया, 12:30 बज गए थे मेरे को घर आते आते, उसके बाद खाना खुना खाया था और बस बैठे थे अपने, और अपना ऑफिशियल काम वगैरह कर रहे थे यहाँ पर बैठ के, और इसी के साथ साथ फिर अब 3:30 बजे तो मैंने सोचा यार थोड़ा बहुत व्लॉग कर लेते हैं। अब आया ना लाइन पे,
आज पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं हो पाई थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई, जैसे आपको पता है यार बैंकिंग वैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई वढ़ाई भी अपनी हो नहीं पाई कुछ भी, और बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ खास हम लोग काम कर भी नहीं पाए। और अभी मेन मोटो ये है कि अभी हमें व्लॉगिंग के लिए जाना है, और व्लॉगिंग के लिए कहाँ जाना है भाई, सजेस्ट करो यार अच्छे से अच्छे सभी लोग मिलके ना, यार सभी लोग मिलके मेरे को सजेस्ट करो कि मुझे कहाँ व्लॉगिंग के लिए जाना चाहिए, कहाँ कैसे व्लॉगिंग करनी चाहिए, और कौन सा एरिया अब आपको देखना है, कौन सा एरिया हिसार का आप देखना है। मुझे तो ये दिखता है कि हर एक गली हर एक चौराहा मैंने हिसार का आपको दिखा दिया है सब बस बेटा। तो अभी मेरे को प्लीज़ सजेस्ट करो कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, और अभी का मुझे नहीं पता कि भाई जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं जाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो जैसा भी है बने रहो आप हमारे साथ ही, अगर मोटो व्लॉगिंग करने जाते हैं तो बाहर आपको लेके चलते हैं, नहीं जाते तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहो आप हमारे साथ। हाँ तो वही एक डिसीजन लिया है आज, मोटो व्लॉगिंग करने कहीं नहीं जाते, बड़ा हरामी हो आज, नॉर्मली आपसे बात ही करते हैं, और क्योंकि मूड भी ख़राब है, पूरे दिन का ही मूड ख़राब है, साला पूरा दिन ही मूड ख़राब हो गया मेरा एक तरह से। तो मोटो व्लॉगिंग करने आज कहीं भी नहीं जा रहे, और अभी करना क्या, अभी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर की जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब लगने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो अब ये सीज़न चल रहा है ना, मई से लेके ये बैंकिंग सेक्टर का सीज़न आ जाता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो जून के बाद आगे शुरू हो जाता है, मई में नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, मई में आगे, जून में आगे, उसके बाद जून में, जुलाई में, अगस्त में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, जून से लेके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक तरह से लगा के चलो मई से ये सीज़न शुरू हो जाता है। हम भी उसी की चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में यार आपको थोड़ा सा व्लॉगिंग में ना थोड़ा सा कंटेंट कम देखने को मिल सकता है, जैसे कि 2-3 दिन में एक व्लॉग आ रहे हैं, ये थोड़ा सा कंटेंट कम हो सकता है, रेगुलर व्लॉगिंग शायद ना हो सके, क्योंकि एग्जाम्स मेरे नियर आ जाएंगे ना, एग्जाम पास आ जाएंगे तो यार मुझे डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर तैयारी पे लगाना पड़ेगा, मैं थोड़ा ही टाइम व्लॉगिंग के लिए दे सकता हूँ। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जो मेन बात तो यही है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ना, तो मुझे किसी ने स्पॉन्सरशिप दी है इस चीज़ के लिए, कहीं सोचो आप पेड प्रमोशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मली चीज़ बताता हूँ। अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए आपको जॉब लेनी है, बैंक में एक रेपुटेटेड ऑफिसर बनना है, एक रेपुटेटेड क्लर्क वगैरह बनना है, तो आपको तैयारी कहाँ से, मेन चीज़ है आपका खुद का डेडिकेशन कितना है, खुद कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना कुछ करते हो। तो एक टेस्ट आईडी है, वैसे तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली मेरी बात कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा हम स्टडी व्लॉग ये बनाने नहीं वाले कि भी स्टडी व्लॉग होने, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वेबसाइट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं वो सब देख रहे होंगे, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है भैया देख लो, ये है प्रैक्टिस मॉक, ये देखो ये है प्रैक्टिस मॉक, तो practicemock.com है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें सभी तरह के बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, ये देखो SBI क्लर्क, CDB ग्रेड ए, RBI असिस्टेंट, और नैनीताल बैंक PO, SBI क्लर्क 2021 SBI PO, IBPS PO, और RRB ऑफिस असिस्टेंट, RRB PO वगैरह। और अगर बैंकिंग के लिए है तो बैंकिंग के लिए, और जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है, CGL, VGL, और ये NICLA इंश्योरेंस, और किसी जॉब के एग्ज़ाम के लिए तो मुझे पता नहीं है कि ये वेबसाइट कैसी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये टेस्ट आईडी बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप बिगनर हो, बिगनर के लिए तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो, क्योंकि ना लेवल हाई आता है इसका, थोड़ा सा लेवल हाई आता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग से ही इस पे लग जाओ तैयारी करने, इस पे स्टार्टिंग में नंबर कम आएंगे, परसेंटाइल डाउन आएगी, धीरे धीरे उसको इंप्रूव करते रहोगे ना, करते रहोगे, हिम्मत मत हारना। देखो इसका पहला मॉक लगा लोगे आप सीधा उठ के, बिना तैयारी के या फिर बिना बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, पहला मॉक लगा लोगे ना तो आपके 5-7 नंबर आएंगे इसमें, तो वो 5-7 नंबर आए ना तो डीमोटिवेट नहीं होना, तैयारी करते रहना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ग्राफ बहुत ऊपर चल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ऊपर ग्राफ चल जाएगा, और जिससे बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। इस पे जितनी भी प्रैक्टिस कर ली ना आपने, इस पे जितनी भी प्रैक्टिस कर ली, और मतलब मान लो इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, इस पे फ्री क्विजेज भी हैं, ये देखो यहाँ पर जा करके ना ये फ्री क्विजेज आ जाता है, ये थोड़ा सा मैं लाइट ऐसे हो रहा है, तो ये देखो ये फ्री क्विजेज आ जाता है, यहाँ पे जाओगे तो फ्री क्विजेज है, कोई पैकेज बाय करना है तो हमने तो पूरे साल का पैकेज इसका ले रखा होता है, तो पूरे साल हम इससे तैयारी करते हैं। दूसरी एक आइडिया ना, मतलब अगर आपने ये कम्प्लीटली कर लिया, मैं तो कहता हूँ यही कर लो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, यही कर लो इनफ है, लेकिन हमारे को क्या है ना कि मैं एक और टेस्ट आईडी है वो भी यूज़ करता हूँ इसके साथ साथ, एक और यूज़ करता हूँ, लेकिन आप ये कर लोगे ना तो इनफ है, इसको अच्छे से कर दो। तो एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी वेबसाइट है ना वो सबसे ऊपर है भाई, सबसे ऊपर वो वेबसाइट है, इस पर आप सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकते, तभी मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। ये है भैया ओलीवुड की वेबसाइट, आप देख सकते हो ओलीवुड, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपको
कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी करना है बैंकिंग सेक्टर का, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये आपने कर दिया। और ये बिगनर होने पर आप ये नहीं कर सकते। मैंने भी बहुत सालों के बाद लास्ट में आ गया, अभी ये यूज़ करने लगा हूँ, पिछले 2 या 3 सालों से मैं ये यूज़ करने लगा हूँ, उससे पहले मैं ये यूज़ नहीं करता था, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ये जो वेबसाइट है ओलीबोर्ड, ये थोड़ी हाई लेवल वेबसाइट है, और सच बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मॉक का कंटेंट थोड़ा सा हाई लेवल रह गया। देखो हाई लेवल की बात नहीं होती यार, आपको छोटी सी दीवार पार करनी है और आप बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ने लग जाओ तो ये बात नहीं करते। बात होता है एग्ज़ाम रिलेवेंट, बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट जो लेवल है वो आता है, किसमें आता है तो वो भैया इसी में आता है। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट है, इसका मॉक टेस्ट दे लोगे ना, इसका मान लो SBI क्लर्क का टेस्ट आ रहा है आपका, इसका मॉक टेस्ट दे लोगे तो एग्जैक्ट यूँ पता चलेगा कि आपको कि मेन एग्ज़ाम इसी का ही है। मतलब मान लो इसके 20 मॉक टेस्ट दिए तो पेपर में देने जाओगे ना, लेवल बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। अब यूँ मत कहना कि इसके क्वेश्चन आ जाते हैं यार, वो वाली तैयारी नहीं होती है। बैंकिंग सेक्टर की जो तैयारी होती है वो तैयारी नहीं होती कि आपने क्वेश्चन रख लिए वो पेपर में आ गया, नहीं यार। मतलब लेवल होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल लगभग सेम होता है। प्रैक्टिस मॉक मैंने आपको क्यों बोली है, वो आपको हार्ड बनाएगा, मतलब हार्ड होता है ना तूफान से टकराने की हिम्मत देगा, ये आपको बनाएगा कि जितना तूफान है, हल्का तूफान है तो हल्के के लिए तैयार करेगा, मोटा तूफान है तो मोटे के लिए तैयार करेगा। तो ये दो वेबसाइटें हैं, इन दो वेबसाइटों से मैं बहुत अच्छे से तैयारी करता हूँ, और इन्हीं दो वेबसाइट से ही मॉक वगैरह हम लोग देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक हम देने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा डिटेल में इस तैयारी वगैरह को नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्टडी व्लॉग अपने को करना नहीं है, और तो नॉर्मली छोटी मोटी बात कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो आपको बता देते हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं तैयारी में, सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये कर लेना है और उसके बाद आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स भी होते हैं, कंप्यूटर एबिलिटी भी होती है, और मैथ इंग्लिश रीजनिंग तो होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो दो प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने को। और 20 मॉक प्रैक्टिस मॉक के हैं, 20 मॉक इसके हैं, 40 मॉक हो गए, 40 लगा लो इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं हो, इससे ज़्यादा भी कुछ करना है तो फिर क्विज़ हो गए और पिछले साल के पेपर हो गए, पिछले साल के मतलब इनके पिछले साल के जो उसमें आ रहा है पेपर आ रहा है वैसा नहीं। तो अपन इसी से तैयारी करते हैं, और तैयारी भी अपने को देखो तैयारी भी अपने को करनी पड़ती है, मोटो ब्लॉगिंग भी है, ब्लॉगिंग का कंसेप्ट भी देखना पड़ता है, उसके बाद तहसील तुसील के 2-4 काम भी करवाने पड़ते हैं, घर के 2-4 काम भी देखने पड़ते हैं, तो ये सारी भसड़ देखनी पड़ती है, ये सारा कुछ देखने के बाद उसके बाद जाके अपना दिन समाप्त होता है। और दिन में अपना कुछ भी नहीं है, मूवी वगैरह देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। पूरा दिन कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, इस कमरे से शुरू हो रहा है, इस कमरे में ही खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। तो आने वाले टाइम में अब मैं बता रहा हूँ कि मई में तो खैर इतना नहीं, जून में कह सकता हूँ मैं, जून जुलाई अगस्त ये जो पीरियड है, इस टाइम बैंकिंग के पेपर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो इस समय व्लॉगिंग में थोड़ा थोड़ा गैप आ सकता है। तो साथ बनाए रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, साथ बनाए रखो, साथ कभी मत छोड़ना, मिलते रहेंगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो में। और आज तो वैसे ही आपको पता है यार, मूड ख़राब हो रहा है मेरा काफ़ी, और वो जिम का इंसिडेंट जो हो गया था, तो मूड ख़राब वगैरह नहीं करते। और भैया जितना भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे सभी आप लोग हैं, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अच्छे से अच्छे सपोर्ट करते रहें, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो सिर्फ हिसार एक्सप्लोर नहीं, हम पूरा इंडिया एक्सप्लोर करें। दुआओं में याद रखो और अपनी दुआएं देते रहो, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। इसी के साथ आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं, होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी जितनी भी जानकारी है वो आप सभी को पसंद आई होगी, आप सभी को अच्छा लगा होगा जो भी हो मैंने आज आपसे शेयर किया है, क्योंकि मूड ख़राब हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, जिम वाला जो इंसिडेंट है वो आपके साथ शेयर किया, मुझे अच्छा लगा कि भाई थोड़ा सा मुझे ये था कि भाई मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, तो मैंने वो जिम का इंसिडेंट शेयर किया। और जो तैयारी व्यारी है, जो मैं प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, जो अपनी तैयारी व्यारी करता हूँ, तो उसकी भी मैंने डिटेल थोड़ी बहुत शेयर करी है। तो अभी मैं बोलता हूँ ऑफिशियल काम भी है, वो आगे जाके आपको कभी बताएंगे कि ऑफिशियल काम वगैरह मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, और साथ साथ ऑफिशियल काम के साथ साथ ये स्टडी भी होती है, तो ये स्टडी भी वगैरह भी करनी पड़ती है, और घर के भी 2-4 काम है वो भी करने पड़ते हैं, सारा काम ध्यान रखना पड़ता है। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप करते हैं आप सभी को ये जानकारियाँ अच्छी लगी होगी, तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नए से वीडियो में, नए से व्लॉग में, अच्छी सी राइड के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।